नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। तो आइए नजर डालते हैं देश भर की कुछ ताजा और बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दूरगामी परिणाम वाले एक फैसले में कहा कि SC ST एक्ट में सजा के बाद अपील के दौरान पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर हाई कोर्ट और शीर्ष कोर्ट आपराधिक मामला कर सकते हैं खत्म। सफर इंडिया ने 1 से 20 नवंबर तक की समय अवधि को दिल्ली NCR के लिए बेहद चिंताजनक बताया। इस बार भी प्रदूषित हवा में ही मनेगी दिल्ली की दिवाली। DDMA की कल होने वाली बैठक में सार्वजनिक तौर पर छठ मनाने की मिल सकती है सशर्त अनुमति। देश की राजधानी में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा हुआ 1000 के पार। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को अपने ट्वीट के माध्यम से की घोषणा। कांग्रेस के सत्ता में आने पर प्रदेशवासियों को किसी भी बीमारी में 10 लाख रुपए तक का किया जाएगा मुफ्त इलाज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के पुत्र राजेश पति त्रिपाठी और परपोते ललितेश पति त्रिपाठी कांग्रेस छोड़कर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC में हो गए शामिल। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सोमवार को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के समारोह में सुपरस्टार रजनीकांत को प्रतिष्ठित दादा साहेब पुरस्कार से किया सम्मानित। साथ ही मनोज बाजपेयी और धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार किए गए प्रदान। जम्मू कश्मीर में विलय दिवस के मौके पर आज गूंजेंगे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की वीरता के किस्से। देशवासियों के साथ भारतीय सेना भी देगी देश के सपूत राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि। लोकप्रिय फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका का संचालन करने वाली FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड का IPO 28 अक्टूबर को खुलेगा। भागलपुर की ADM जयश्री ठाकुर पर सरकारी पदों का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों की कमाई का आरोप। प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा करीब 6,85,00,000 की संपत्ति की गई जब्त। साथ ही किए गए 42 बैंक खाते भी सील। वेब सीरीज आश्रम 3 की टीम पर हमला करने वाले बजरंग दल के 40 कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज। हैदराबाद में दवा उत्पादक कंपनी बायोलॉजिकल ई की कोरोना रोधी वैक्सीन कोर्बेवैक्स के अगले महीने के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद। कंपनी की महानिदेशक महिला दत्तला ने कहा कि लॉन्च के लिए इसकी 10 करोड़ डोज कर ली गई है तैयार। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश भर की कुछ ताजा और अनसुनी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वोकल न्यूज शहडोल।